आज हम देखेंगे वायरिंग कैसे डाली जाती है, जो मेन हार्नेस बोलते हैं वायरिंग को, हार्नेस, हार्नेस कैसे चेंज करी जाती है और हार्नेस चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये हम आने वाले समय में अभी थोड़ा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फिर बताएंगे। और आज हमारे साथ जो काम कर रहे हैं ये हैं इकबाल भाई, क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी है तो मैं कर नहीं पा रहा, तो मेरे पास इकबाल भाई आए। इनका खुद का वर्कशॉप है फ्रेंड्स ऑटो के नाम से, और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है बजाज टिप्स एंड ट्रिक के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेन हार्नेस चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले टैंकी और सीट उतारनी पड़ेगी, और कुछ आइटम है हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल बारीकी से कि आप कैसे सबसे सिंपल तरीका जो होता है कैसे चेंज कर सकते हैं मेन हार्नेस को, और वायरिंग कहाँ से ख़राब है मैं सबसे पहले आपको ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ। जो 2012 या 14 के टाइम का मॉडल था उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वायरिंग का प्रॉब्लम इशू आता है वो यहाँ से आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी बार हमने वायर को मतलब जॉइंट कर रखा है कि अब चेंज करने की नौबत आ गई है। तो हम अभी टंकी और सीट बाहर निकालते हैं, हेडलाइट, फिर कैसे कौन कौन से सॉकेट निकालने पड़ते हैं ये सारे कवर करेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले सीट निकाल देनी है, सीट निकालना बहुत सिंपल है देखिए, और उसके बाद टैंक निकाल देना है। और टैंक भी देखिए, जो ये 2012 के मॉडल थे इसमें टैंकी में आगे नट बोल्ट रहते हैं, खोलो आराम से निकल जाती है। अब चलते हैं ज़रा नज़दीक से देखते हैं क्या क्या चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले टैंकी मतलब जो हेडलाइट के अंदर सॉकेट कपलर होते हैं ये कपलर सब खोल देने हैं, क्योंकि जितने भी मेन हार्नेस से रिलेटेड कपलर हैं ये सारे निकालने ही पड़ेंगे चेंज करने के लिए। ओके, और ये हुआ हमारा मेन मीटर का। अच्छा, कपलर निकालने के लिए हमें एक बार मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। कपलर निकालने के लिए सबसे मेन यही है कि हमें यहाँ से ये सॉकेट होता है इसको दबाया और ये ऊपर को खींचा, इसी तरीके से सारे कपलर बाहर निकल जाएंगे। और मीटर की वायर खोल देते हैं क्योंकि ये अटकती है बीच में। जब आप सारे कपलर निकाल देंगे उसके बाद वायरिंग को इधर साइड से यहाँ से बाहर निकालना है इस तरीके से। अब यहाँ से जो भी कपलर रह गया होगा वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। एक दो वायर शायद हमने अलग से जॉइंट कर रखे हैं, इसको आप निकाल दीजिए। और ये देखिए इतनी वायरिंग अलग हो चुकी है। अब हमें हॉर्न की वायर निकालनी है, और ये हमारी यहाँ पर दो लीड कॉइल हैं, लीड कॉइल की वायर कपलर बाहर निकालने हैं, बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा। और यहाँ पर हम एयर फिल्टर खोल लें, एयर फिल्टर इसलिए क्योंकि यहाँ पर की जो वायरिंग है यहाँ पर आराम से इजी उसको इंस्टॉल कर सकें। और अभी हम क्या करते हैं, जितने भी वायरिंग से रिलेटेड जो हमारी क्लिप हैं ये सारे क्लिप को बाहर रिलीज कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो मेन हार्नेस है ये सारी क्लैप पे बॉडी के साथ अटैच हैं, क्योंकि अगर हम खाली सिंपल ऐसी रखते हैं तो वायरिंग हमारी आगे पीछे हो जाती है या नीचे बोर्ड इंजन से टच हो जाती है, और काफ़ी हीटअप की वजह से वायरिंग जल्दी ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए आप क्लिप ज़रूर लगाएं। ये सारे क्लिप को रिलीज कर देते हैं, उसके बाद पीछे की साइड में आएंगे, पीछे कहाँ पर कौन से सॉकेट रहते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा एक फ्यूज का बॉक्स है, ये रहा फ्यूज का बॉक्स, और एक रहा TCI, और ये रहा सेल इंडिकेटर की रिले। इसके यहाँ पर देखिए सॉकेट रहता है साइड में को, इस सॉकेट को निकालना है और फिर इस याले को निकालना है बड़ा वाला, और इसी के छोटा वाला निकाल के वायरिंग को बाहर निकाल देना है यहाँ से, बहुत इजी आराम से बाहर निकल जाएगी। और वायरिंग बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे एक बहुत कमाल की चीज़ है जो आपको मेरे ख्याल से जानना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा और वॉच करिए। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वायरिंग है कट हुई, आपको दिखाते हैं कि कितना कट गई और किस तरीके से ख़राब हो जाती है। ये जो हमारा हैंडल के पास से बेंड होती है वायरिंग तब जल्दी ख़राब हो जाती है, तो एक बार मैं आपको इसका टेप काट के अंदर से दिखाता हूँ कि वायरिंग कितनी ख़राब हो रखी है। देखिए इसको इतनी बार जॉइंट करा था हमने कि मेरे को लगा कि इस बार इसको चेंज ही कर देते हैं। हमारी राइट साइड को मोड़ो तो बंद हो जाती है, और सबसे ज़्यादा वायरिंग की प्रॉब्लम हैंडल के पास से ही आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2,
काफ़ी मतलब तीन चार जगह से वो टूट रही है, तो फिलहाल इसको जल्दी से निकाल देते हैं। ये रहा देखिए, तो फिलहाल इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी रहा हमारे टूल बॉक्स के अंदर, अभी मैं दिखाता हूँ कि हमें टूल बॉक्स के अंदर से यहाँ से कुछ सॉकेट हैं उसको निकालने पड़ते हैं। तो अब फाइनली ये वायरिंग बाहर निकल चुकी है और ये रही वायरिंग। तो ये है हमारे बंदे के हाथ में वायरिंग और उन्हें वायरिंग कैसे फिट करते हैं, पहले आपको ज़रा विस्तार से समझाएंगे कौन सा कपलर कैसे और कैसे कहां पर यूज़ किया जाता है और कौन से वायरिंग की प्रॉब्लम आती है, कौन सी मेन वायर होती है, ये सब लगाते लगाते बताएंगे। तो फिलहाल अभी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है और गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं और इकबाल भाई इसको फिट करेंगे। और अगर आपको इकबाल भाई से कुछ जानना है टू व्हीलर बाइक के बारे में, इसे बजाज से रिलेटेड या KTM डूक से रिलेटेड, तो आप मेक श्योर बिल्कुल फ्रेंडली उनको कमेंट कर सकते हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपको रिप्लाई करें। उनका चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा और मैं आपको बता देता हूँ बजाज टिप्स एंड ट्रिक के नाम से है, तो मेक श्योर आप उनकी भी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को वॉच करने के लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। तो अब देखते हैं वायरिंग तो फिट हो चुकी है और देखते हैं गाड़ी स्टार्ट हो रही है या नहीं। इकबाल भाई स्टार्ट करिए गाड़ी को। ठीक है, अभी थोड़ा पेट्रोल नहीं है तो ठीक है। तो इकबाल भाई कुछ बोलिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा। अगर आपको बजाज से संबंधित या तो मिला कोई भी वाहन से संबंधित जानकारी चाहिए तो नीचे एक लिंक मिलेगा आपको मेरे चैनल का, बजाज टिप्स एंड ट्रिक करके। कुछ भी जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट में बताएँ।